का भाई स्वागत करते हैं एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के। आज के वीडियो में हम बात करें दोस्तों टाटा ज़िस्ट का एक्सीडेंट होता है यहाँ पर निसान की मैग्नाइट से। मैं आपको बताऊँ दोस्तों निसान को वापस सड़क पर लाने वाली है निसान मैग्नाइट है, जिसके पहले महीने में ही दोस्तों 30 से 35 हज़ार बुकिंग हो गई थी। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है दोस्तों और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप फीचर्स की बात करें या अगर आप दोस्तों इसके लुक्स की बात करें या आप जिस प्राइस पर निसान ने इसको लॉन्च किया है उसकी बात करें दोस्तों, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। एशियन एंड कैप से दोस्तों ये 4 स्टार रेटिंग्स लेके आ चुकी है सेफ्टी में, तो लोग इसको वाकई में ही एक सेफ गाड़ी भी मान रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका एक्सीडेंट होता है टाटा ज़िस्ट के साथ, जिसको आपको पता ही है दोस्तों उसका लोहा कितना मजबूत है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है टाटा ज़िस्ट के बारे में, जिसका एक्सीडेंट होता है दोस्तों ट्रैक्टर के साथ और टाटा ज़िस्ट को कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो टाटा ज़िस्ट के ड्राइवर थे वो यहाँ पर ड्रिंक करके गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे दोस्तों और हाई स्पीड में थे और जाकर दोस्तों निसान मैग्नाइट के राइट साइड पर ठोक दिया। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर रियर व्हील निसान मैग्नाइट का बाहर निकल चुका है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि टाटा ज़िस्ट की स्पीड कितनी होगी। मैं यहाँ पर आपको डैमेज की बात करूँ दोस्तों निसान मैग्नाइट के, तो आप देख सकते हो फ्रंट एंड रियर डोर का क्या हालत हुआ है यहाँ पर निसान मैग्नाइट का। पर आपको एक अच्छी बात बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर निसान मैग्नाइट का दोस्तों फ्रंट के दोनों एयरबैग खुल चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ दोस्तों, फ्रंट में इंपैक्ट पड़ा नहीं था, फिर भी इसके साइड इंपैक्ट था और यहाँ पर निसान मैग्नाइट का एयरबैग खुल चुका है। वहीं पर अगर आप देखें दोस्तों टाटा ज़िस्ट की क्या हालत हुई है, तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत गाड़ी मानी जाती है यहाँ पर मैं इस बात से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा दोस्तों कि फ्रंट में इम्पैक्ट नहीं पड़ा, फिर भी उसके फ्रंट के एयरबैग खुल गए। और यहाँ पर अगर हादसे की बात करें दोस्तों, तो गाड़ी में यानी कि निसान मैग्नाइट में भी जो लोग बैठे थे और जो टाटा ज़िस्ट को भी ड्राइव कर रहे थे वो सब लोग बिल्कुल ही सेफ है दोस्तों। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप या आपके दोस्त ड्रिंक कर गाड़ी चलाते हैं तो सेक्शन 185 के द्वारा दोस्तों आपको 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को अपडेट किया गया था। इससे पहले दोस्तों सिर्फ 2,000 रुपये था और 2 महीने की जेल थी, पर अब यहाँ पर अपडेट कर दिया गया दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट और काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों, अगर आपके ब्लड में यानी कि 100 ml ब्लड में दोस्तों 30 mg अल्कोहल पाया जाता है, तो विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ दोस्तों, निसान मैग्नाइट और टाटा ज़िस्ट दोनों ही एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत यानी कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में A1 गाड़ी है और लोग काफ़ी ज़्यादा निसान मैग्नाइट को पसंद करें। मेरी खुद भी पर्सनल फेवरेट है और मैं खुद भी चलाना चाहता हूँ निसान मैग्नाइट को, जरूर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और इसी के साथ दोस्तों, 4 व्हीलर चाहते तो सीट बेल्ट, 2 व्हीलर चाहते तो हेलमेट जरूर पहनिए। साइनिंग ऑफ।